छोटी बहन जैसी है और हम लोगों ने साथ में इतने शोज़ किए हैं, इनको आपने टेलीविज़न पे देखा, बिग बॉस कहाँ देखा है उनको आपने डांसिंग शो में, उसके बहुत पहले हम लोग साथ में पूरा वर्ल्ड घूमे और बहुत अच्छा समय गुजारा हमने। ये मेरी बिल्कुल छोटी बहन जैसी है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अविनाश, आप लोग बहुत खुश रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या मतलब, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे माफ करो। अभी एक फिल्म आ रही है होटल ब्यूटीफुल, पता नहीं कब आ रही है, और अभी गोलमाल 4 पे काम चल रहा है। सही दौलत है आपका प्यार, आपने बहुत प्यार दिया है, खत्म करके आप बॉम्बे आए हैं, और सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है कि अभी स्टार्टिंग हुई है पूरी पार्टी की, रिसेप्शन की, और जॉनी भाई मिल गए। आज जॉनी भाई आए मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि हमारे लिए बहुत स्पेशल डे है क्योंकि हम लोग जॉनी भाई की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने तो खैर कब से जॉनी भाई के साथ काम किया है, जब मुझे कोई काम नहीं देता था तो जॉनी भाई ने मुझे काम दिया है, तो मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। एंड आई रियली लव दिस मैन, आई सीरियसली लव दिस मैन, आई रिस्पेक्ट हिम सो मच, और सबसे ज़्यादा मुझे आज इस दिन की खुशी है कि जॉनी भाई यहाँ पे आए हैं। नाउ जस्ट वन रिक्वेस्ट, लव हिम। हाँ बिल्कुल, महंगाई के ज़माने में उसने शादी की है और आज खर्चा भी बहुत कर दिया है, तो लेकिन दोस्त होने के नाते हम शुभकामनाएं देने आए हैं, दोनों लगे रहें, मस्त रहें और छा जाएं और जल्दी से आबादी बढ़ाएं। सुपर टुगेदर, मैं हमेशा उसको रोज़ बोलती हूँ अपनी नज़र उतार लिया कर, कच्चे कान की मत रहना, एक दूसरे को प्यार करना, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हियर दैट फाइनली शी इज सेटल्ड। हैप्पी फॉर हर, फाइनली आफ्टर 5 ईयर्स दे डिसाइडेड कि भाई ये लड्डू खाने हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, एंड आई एम जनरली वेरी हैप्पी फॉर हर बिकॉज़ आई हैव सीन दिस कपल फॉर लास्ट 5 ईयर्स एंड आई एम वेरी ग्लैड कि फाइनली उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, आई फील दे आर जस्ट मेड फॉर ईच अदर। हमेशा साथ देने वाली लड़कियों में से तो आज उसका घर बसा है, मेरी सारी दुआएं उसके साथ है, अल्लाह इनकी जोड़ी सलामत रखे, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट है। आई विश ऑल द लक, सक्सेस, हैप्पीनेस इन द लाइफ। ऑफ कोर्स यार, वी ऑल वांट टू गिव गुड विशेस ओनली, जाहिर सी बात है, वी नॉट गोना विश एनीथिंग रॉन्ग। आई रियली होप दैट शी स्टेज हैप्पी ऑलवेज एंड दिस रिलेशनशिप इज देयर फॉरएवर एंड मे शी बी लव्ड एंड डिजायर्ड बाय हर मैन थ्रू आउट हर लाइफ, एंड आई थिंक शी इज वेरी हैप्पी, शी लव्स अविनाश अ लॉट, सो आई थिंक इट्स नाइस दैट दे फाइनली गॉट मैरिड। And I'm really happy to see them, you know, finally together. शादी के मायने क्या है? Definitely, शादी का मायने is very important, and शादी means दो लोगों का क्या कहते हैं, soul connection होता है more than anything else. And I think once you find your soulmate, that's the most important thing. Where you, it's all about companionship, I guess, more than commitment. So I think companionship तो है और अब commitment भी हो गया, so it's like 2 in 1. आप शादी बहुत खुश हूँ कि finally वो मान गई, क्योंकि मैं बहुत महीनों से बल्कि उनको कोशिश कर रहा हूँ मनाने की, मैं उनसे बार बार कहता था कि भाई मान जाइए, बहुत ही अच्छा लड़का है और शादी कर लीजिए, लेकिन थोड़ा उनको ताकि रुक जाओ करती हूँ सोचती हूँ, लेकिन फाइनली वो मानी है तो मुझे बड़ी खुशी इस बात की है। हमने काफ़ी वक्त साथ में गुजारा, हमने एक सीरियल किया था रजिया सुल्तान, तो हम लोग करीब 1 साल ही साथ में थे, तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके। मैं बहुत खुश हूँ कि वो शादी करके आई और आज उसी का फंक्शन होने जा रहा है। मैं दोनों को, अविनाश को और संभावना को ये शुभकामना देवा कि आप खुशहाल जियो हजारों साल, ये तहदिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल, आप खुशहाल रहो हजारों साल, ये तहदिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल, और आपको कभी गम ना मिले, आप चाहे बम्बे रहो या रहो भोपाल या नेपाल।